मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुझसे नजरें मिला के बात करने के काबिल भी नहीं रहा। बस मेरी नहुसत की वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। ये नहुसत छोटे छोटे घरों में रहने वालों की बीमारियाँ होती हैं। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? गरक हो गई है मेरी जिंदगी, खत्म हो गई तबाह। तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो और मैं उनकी भांजी। मौलवी की बेटी हूँ तो क्या, जीना छोड़ दूँ? इनफैक्ट मैं तो इसी सिलसिले में आया था कि उन्होंने अभी तक चेक कैश नहीं करवाया। सोच लो ज़ैनब, पकड़ी गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मैं एक बार सोचती हूँ, बार बार नहीं। वालेकुम सलाम शाहज़ादे बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक जी। मैं से अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ जरूरी काम था इसलिए आपसे मिलने आ गया सर। अच्छे ख्याल, आओ घर बैठ के बात कर। नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ। कैसा, वो चेक कैश नहीं करवाया आपने अभी तक, मुझे लगता है आपने उसे कबूल नहीं किया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो असल में अब चेक की ज़रूरत नहीं रही। मेरी जो ज़रूरत थी उसका अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया है, वो मसला हल हो गया है, इसलिए अब चेक की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हुआ आ गए, अब आए हो तो चेक भी लेते जाओ, मैं ले गया। नहीं काश साहब, वो चेक मैंने आपको वापस लेने के लिए नहीं दिया था। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, मगर अब देखो ना, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है तो मेरे पास उसे अपने पास रखने का जवाब नहीं है। तो मेरा ख्याल है बेटा तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए वापस लेने। नहीं काश साहब, चेक मैं वापस नहीं लूँगा, आप प्लीज़ उसे कैश करवा लें और उस शख्स को पैसे दे दें जिसे आपकी चादर और चार दीवारी की हुरमत का कोई एहसास नहीं है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, आप मेरे अब्बा के दोस्त हैं और मेरे पास सिर्फ यही रिश्ता बचा है जो मुझे मेरे वालिद से मिला। प्लीज़ काश साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सके ये चेक कैश करा कर ये बोझ अपने सर से उतार लें प्लीज़। बल्कि आप चेक लेकर आए, मैं आपके साथ चलता हूँ, कैश करवा लेते हैं। नहीं बेटा साथ चलने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं करवा लूँ। चलें ठीक है। मैं जानता हूँ ये कर्ज चुका देने से आपके सब मसले हल हो जाएंगे, मुझे इस हक से महरूम मत कीजिए प्लीज। बेटा तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मजीद एहसान नहीं चाह सकता। प्लीज इसे एहसान कहकर मुझे शर्मिंदा मत करना, अपना फर्ज समझ कर ये करना चाहता हूँ आपके लिए। मामू चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, तलब नहीं है, खुश रहो खुश रहो, अपना काम करो। Thank you.
भाई कितना मजा आया ना। तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है शर्मा में, कितनी बड़ी स्क्रीन थी यार। अगली दफा कोई 3D फिल्म देखेंगे। हाँ सही है। ठंड कितनी थी अंदर? तुम ये बताओ तुम्हें फिल्म कैसी लगी? फिल्म तो बस ठीक ही थी, लेकिन अच्छे थे। और वो लड़की कितनी प्यार, उसके कपड़े कितने अच्छे अच्छे पहने हुए थे। पेशे कितनी मर्जी प्यारी हो, तुम्हारे जितनी प्यारी नहीं। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब कुछ खाने चलें? आइसक्रीम खाने चलो। ना अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, मेरी तो जान निकली जा रही है। मामी वो बोलकर तो गई थी कि वो देर से आएगी। अरे अल्लाह रात हो गई है अभी तक आई नहीं, अभी तो कारी साहब नहीं है घर पे, आ गए तो फिर क्या होगा। अच्छा मैं ना उफरिया के यहाँ जाके पता करके आती हूँ, अगर पीछे से कारी साहब आ जाए तो उन्हें कहना कि वो मेरे साथ गई है। ठीक है? ठीक है। थी तुम क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अबू कहाँ है? मामू तो घर पे नहीं है। और अम्मी? तुम्हारा पता करने गई हैं फरीहा की तरफ। ओ अब क्या होगा? जो भी हुआ उसमें आयशा का तो कोई कसूर नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अबू अकेले गए क्यों। कुछ बोलिए ना, कुछ कहिए। तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। सेना कहाँ थी तुम? अम्मी बताया तो था आपको कॉलेज से देर हो जाएगी आज। झूठ बोल रही हो ना? मैं उधर फरिया के घर से आ रही हूँ, वो तो कब से वापस आ गई घर अपने। अम्मी कॉलेज में ही थी, आप जानती हैं फरीहा पढ़ाई में कितनी अच्छी है, तो वो जल्दी छुट्टी हो गई, मुझे उन्होंने रोक लिया। कुछ भी हो जाए तुम माइंदा इस तरह लेट हुई ना तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगी, सुना तुमने? जी पागल लड़की। वैसे गई कहाँ? फिल्म देखने गई थी। इतना मजा आया तुम्हारी सोच है। तुमने वैसे सिनेमा में कभी फिल्म देखी है? कभी नहीं। मैंने भी पहली बार देखी है। इतनी बड़ी स्क्रीन थी, इतना मजा आया जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। चलो तुम्हें अंदर जाके सब बताती हूँ, आ जाओ। अरे Thank you.
कहती थी ना, बहुत भारी कदम है इस लड़की के। जिस दिन से आई है एक मिनट सुकून का नहीं गुजरा। आप जैसे शरीफ आदमी को इसकी वजह से एक रात जेल में रहना पड़ा मौलवी साहब, और आज आज दिन दिहाड़े आपके पैसे कोई लूट के ले गया। मेरी माने तो जहां से ये आई है उसे वहीं छोड़ा है। देखो जो भी हुआ उसमें आयशा का तो कोई कसूर नहीं है। ये आजमाइशें तो मिन जाने बनना है, उसे हिला मत दो। वो कसूरवार नहीं तो क्या हम हैं? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अल्लाह का वास्ता है और परेशान मत करो। यही कह रही हूँ मैं, आपको लगता है मैं आपको परेशान कर रही हूँ। अगर मेरी बातों से आपको परेशानी होती है तो बस ठीक है, फिर जो आपका जी चाहे आप करें। मैं जानती हूँ जब तक ये घर बिकेगा नहीं ना, आपके दिल को सुकून नहीं होगा। ठीक है, इतने सारे पैसे, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, तो फिर ऐसी चीजों का गम नहीं करते बेटा। आज तक जो कुछ होता है मेरे साथ, इसमें कभी किसी का कोई कसूर नहीं था। अधूरे ख्वाबों के साथ जीना पड़ता है हमें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं से। क्या मेरी वजह से किसी और मुश्किल में पड़े? वापस भेज। इसका मतलब है बेटा तुम्हें अपने मामू पे इत्मीनान नहीं। मुझे आप पर यकीन है मामू, मगर बेटा तुम्हारा शायद ये ख्याल है कि मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। मगर मैं अपनी जान दे के भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा बेटा। तुम बेटी हो मेरी, ऐसी बातें ना किया करो। और ना रोया करो मेरे सामने, बाप बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। गम ना कर मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर दे। तुमने जाके इन लोगों से मेरी शिकायतें लगाई हैं जिनके मैं निकाह और जनाजे पढ़ाता हूं, जो पांच वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। जरा सोचो ज़ुबैदा, क्या हालत हुई होगी मेरी जब शेख साहब ने मुझे अपने बीवी बच्चों से उसने सलूक की तलकीन की। बुरी औरत कोई नहीं हो सकती जो अपने घर के राज बाहर के लोगों को जाके बताए।
होगा आयशा, क्यों खुद को हलकान कर रही हो रो रो के? आज मुझे अपनी बदनसीबी पर यकीन हो गया ज़ैनब, आज तक जो कुछ होता है मेरे साथ इसमें कभी किसी का कोई कसूर नहीं था। मैं हूं ही बदनसीब। तुम अकेली बदनसीब नहीं हो आयशा, हम सब लड़कियां जो इस माशरे के गरीब घरानों में पैदा हुई हैं, सब बदनसीब हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मन्नतें मानना पड़ती हैं, अधूरे ख्वाबों के साथ जीना पड़ता है हमें। रोज अपनी ख्वाहिशात की कब्र पर बैन करना पड़ता है, मगर मैंने तो अब सोच लिया, मैं अपनी बदनसीबी पर और नहीं रोऊंगी बल्कि हंसूंगी। उससे जितना हो सका मैं उतना ज्यादा हंसूंगी, और तुम भी ये रोना छोड़ दो। मामी ठीक कहती है ज़ैनब, मैं जब से यहाँ आई हूँ सबके साथ बुरा होता आ रहा, मगर मैंने अब फैसला किया मैं मजीद यहाँ रहकर मामी को परेशान नहीं कर सकती। पीछे हटे जाने दे मुझे यहाँ से। मैंने कभी किसी से अपनी असलियत नहीं छुपाई। तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे